कहते क्या क्या समझे आप उससे? मैंने उसके बाद तुम कुछ अकाउंटेंसी में लग गए थे, हिसाब किताब तुम कर रहे थे। वो कहते वाकई रो पड़ा। उन्होंने कहा मैं घर से आया हूँ, आपने मुझे पीछे चिट्ठी लिखी है कि 4,000 रुपया लोगों को कर्जा देना है। उसमें 4,000 रुपये बड़े थे, कैप्टन को 350 रुपया तनख्वाह मिलती थी। तो तुम वहाँ पढ़ने लग गए हो तो लोग मेरे गरीबान पढ़ रहे हैं, तो कुछ काम करो। उस वक्त मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह काम करूँ, किस तरह बे को पैसे भेजूँ। वाकई उस वक्त अकाउंटेंसी में लगा हुआ था, समझे बात। तो ये बात है, आप कभी हम दुनिया से जाने वाले हैं, कभी आप याद करेंगे, कभी हम लोग आपको भी याद आया करेंगे, भुला नहीं सकोगे इंशाल्लाह। बात क्या थी? दो का दूसरा, दूसरा कौन? सरकार। पहला कौन था? कब अजर सदीक। उनको इस बारे में अकाउंटेंसी में पहला नंबर उनको किस तरह मिल गया? का महबूब की तरफ आने वाले खतरे का इस्तकबाल किया, मालूम हुआ अपने महबूब के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना, ये दरअसल वफा का एक मियारी किरदार है। आजम चिश्ती साहब, उन्होंने एक शेर कहा था, मेरी जान अमानत तेरी जिद मंगसे पेश करे सा। इनका ये जो जुमला आपने बोला है बड़ा इल्मी। अमानत वाजिबुल अदा होती है इन द तलब। तलब करने के वक्त अमानत का वापस करना जरूरी होता है। नोट भी बदलने की इजाजत नहीं। अगर किसी की अमानत के पैसे रखे हुए थे, कोई चोरी हो गई, कोई लूट के ले गया, तो ये पैसे उसको वापस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अमानत में जमानत नहीं है। हाँ, अमानत में जमानत नहीं है, तो उससे कोई बेनिफिट वो हासिल नहीं कर रहा था। लेकिन अगर उसने नोट बदला है, ये अमानत में खयानत है। नोट बदलने के बाद अगर चोरी हुई तो पैसे उसको अदा करने पड़ेंगे, समझे बात। मेरी जान अमानत तेरी जो मुंगसे पेश करे सा। मैंने कहा इतने प्यार ने दावेदारी होती, जब तक जान अपनी रखी हुई है। मैंने कहा फिर क्या कहूं? मैंने कहा यूं कहो, जान मेरी नजराना तेरा, बिन मंगियो पेश करे सा। ये हजरत अबू सिद्दीक रजी अल्लाह का वादा। इस पर पूरे तुले हैं तो हजरत अबू सिद्दीक रजी अल्लाह का वादा, जान मेरी नजराना तेरा, बिन मंगियो पेश करे। सरकार ने ये नहीं कहा कि तुम अंदर पहले जाओ, बल्कि हजरत अबू सिद्दीक रजी अल्लाह ने दो ऊंटनियां तैयार की हुई थी, एक अपने लिए एक सरदार के लिए। तैयारी का पता चल गया, राजदार आदमी थे, तैयारी हो गई, ऊंटियों पर सवार होके गए, गार के करीब पहुंचे, अर्ज किया या रसूलल्लाह इस जगह में आपको उठाता हूं और चढ़ता हूं। सरकार को उठा लिया कंधों पर, और एड़ियां नहीं लगाते, पंजों के बल चलते हैं। एड़ियां चावे पैर न लावे, ओ दिल दिसदार ना दिलदार ना बीदा, ओ दिसदा ओ दिसदा दिलदार ना बीदा, ओ दिसदा। एड़ियां चावे कदम न लावे, ओ दिसदा दिलदार ना बीदा, ओ दिसदा। ये किस लिए कि हम दो घर से चले हैं, अगर कोई दुश्मन हमारे पांव को ट्रेस करता चलाए तो फुटस्टेप से निशाने राह से फैसला करेगा दो आदमी यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ दो से एक कर लेते आप मेरी गर्दन पर सवार हो जाए, मैं उठा के ले चलता हूँ, जाके गार के दहाने पर उठा। इससे क्या पता चलता है कि हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के सच्चे वफादार थे। तफसीर हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी की लिखी हुई, और बाद ऐसे नाम निहाद सुनिए कहते ये शिया की तफसीर है, और लिखने वाले इमाम हसन अस्करी हैं जो वलियों में वलायत तकसीम करने वाले हैं,
उसको अगर शिया का इमाम सदे तुम्हारे जैसा जाहिल भी दुनिया में कोई होगा? अगर इमाम सारे शिया के धड़े के हों तो फिर तो तुम गुमराह हो, इसलिए कि अइम्मा का वजूद वलायत का वजूद है। वलायत सिर्फ सच्चों के पास होती है, मौलवी झूठों के पास भी होते हैं, सच्चों के पास भी होते हैं। वली सिर्फ सच्चों के पास होते, झूठों के पास नहीं होते। इसलिए जो कौम सच्चा कहलाना चाहे वो अपने मौलवी ना पेश करे, अपनी जमात के औलिया, अपनी सबों में वाली बगदाद दिखलाए, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद दिखलाए, दाता गंजबख्शी अजमेरी दिखलाए, अपनी सबों में सईद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा दिखलाए। वलियों का वजूद सच्चाई की निशानी होता है। वो कहते हैं ये शिया की तफसीर, उसके अंदर उखिया इलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तस्खिबा अबा बकर लिअन्नहु यूफी बिही फिस सर्राए व दर्राए फिस सबर व हज़र। अल्लाह की तरफ से वही हुई थी सरकार को कि आप अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ ले जाएं, इसलिए कि हर दुख सुख में सफर हज़र में ये आपका वफादार होगा। ये तफसीर हसन अस्करी है, जिसको अगर कोई ईमानदार सुननी हो उसको मानना पड़ता है, ये हमारी भी है। शिया तो उसको माने ही माने के इमाम हसन अस्करी की तफसीर है, उसके अंदर लिखा है कि भई ये इलाही के मुताबिक जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेके गए। हमला हैदरी शिया की एक बड़ी मशहूर किताब है फारसी की, शेरों में है। उसके अंदर लिखा है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु काफरों के आ जाने के वक्त बड़ी ऊँची ऊँची आवाज़ से बातें कर रहे थे ताकि काफरों को पता चले कि हम उधर छुपे हुए। शिया की किताब हमला हैदरी, उसका नाम मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके बारे में तफसीर हसन अस्करी के मुताबिक वही इलाही हुई कि इसको साथ ले जाएं, तो अल्लाह ने एक गलत आदमी को रेफर कर दिया। अल्लाह की वही हो और नबी की तरफ हो और बंदा मशकूक हो, इस्लाम तो ये नहीं है, कुछ और ही मजहब है। अब जनाब इससे पहले एक बहस आ जाती है, कहते हैं कि जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलाम को जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उठाया, लेकिन जब काबे के बुत गिराने लगे तो जनाबे अली मुर्तज़ा जो हैं वो सरकार को नहीं उठा सके, क्योंकि बारे नबूवत इतना था कि जनाबे अली वो नहीं उठा सके, अबू बकर सिद्दीक ने उठाया। मैं ये पूछता हूँ याफूर गदा जो था वो सरकार को उठाता रहा कि नहीं? अगर गदा उठा ले तो अली ना उठा सके, समझ आ रही है कि नहीं? खैबर के मैदान में जनाबे अबू बकर सिद्दीक गए, नतीजा कुछ ना निकला। जनाबे उमर गए, नतीजा कुछ ना निकला। अली गए तो नतीजे से माहौल भर गया, भर गया। और जो आपने किले का दरवाजा उठाया है उखाड़ा है, वो किन हालात में उखाड़ा है? पहली झड़पों में हजरत के हाथ में जो ढाल थी उस पर तलवार लगी, वो टुकड़े होके गिर गई। अब मेरे पास ढाल नहीं, यह करूँ क्या? ये किले का दरवाजा फिर किस लिए है? बाएं हाथ को डाल के ना एक ही झटके से किले का दरवाजा निकाल लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि दूसरे दिन हम 40 आदमी मिलके उस दरवाजे को सरकाना चाहते थे, ना सरका सके। अगले दिन कहा ना ये तथर बाबे खैबरा, तमाम लड़ाई के दौरान जनाब हैदर करा ने बाएं हाथ के ऊपर उसे रखा हुआ था और दुश्मन का वार आता उस पर सह लेते और खुद वार कर दे, दो टुकड़े करके छोड़ दे। तो 40 आदमी जिस काम को न कर सके उसको अली मुर्तज़ा ने किया। रह जाती है बात के हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने नहीं उठाया, अगर जिसने उठाया है सरकार की सवारी बनने की वजह से उसको पूरी उम्मत में इम्तियाज मिल गया, पूरी उम्मत में इम्तियाज मिल गया, सवारी को इम्तियाज मिल गया, तो सवार बनाने से क्या नतीजा निकला? अब जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी के बारे में जो सवाल था जनाबे सईद आशर रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं बूढ़ा जरूर हो आया हूँ
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निस्यान अभी तक नहीं है। सवाल किया था कि या रसूलल्लाह आप बताएं कि पूरी उम्मत की कोई ऐसा बंदा आपका है जिसकी नेकियां आसमानी सितारों से ज्यादा हों। इंस्टेंटली उसका जवाब देना कि उम्र की नेकियां उससे ज्यादा है। तो जवाब क्या मिला? सरकार ने देर नहीं लगाई, कहा तुम्हारे अकाउंटेंसी का सिस्टम, तुम्हारे कंप्यूटर का सिस्टम, तुम्हारी चार्टर अकाउंटेंसी उतनी तेजी से वर्क नहीं कर सकती जितनी मेरी नबूवत कर। फरमाया आसमानी सितारों से तो हजरत उमर फारूक की नेकियां ज्यादा है। उस जनाब सईदा कहती हैं मुझे तो थी कि आप मेरे अब्बा जी का नाम लेंगे। आप ना तेरे अब्बा जी की जो एक गार वाली रात है ना, पूरी उम्मत के अमाल तोले जाए एक तरफ रखे जाए और अबू बकर सिद्दीक की वो एक रात एक जगह रखी जाए। उस रात में नफलें कितनी पड़ी हैं? का यार के लिए अपनी जान कुर्बान की, इसलिए उसकी इतनी कीमत बनी कि पूरी उम्मत के अमाल से उजाला हो। लेकिन ये पूरी उम्मत की बहस है, आले बैत उम्मत में शुमार नहीं। पंज नाराए पंज तनी सवा लख नाराए उम्मत और आले बैत में उमूम खुसूस मुतलक है। उमूम खुसूस मुतलक इस बात को कहते हैं जब लफ्ज़ उम्मत आप इस्तेमाल करें उसमें आले बैत भी शुमार हो सकते हैं, लेकिन जिस आप आले बैत कहें तो सिर्फ आले बैत मुराद हो सकते हैं, उम्मत मुराद नहीं हो सकती। ये बात आपको समझने में दिक्कत होगी। इसको कहते हैं उमूम खुसूस मुतलक। सामने दीवार पर मैं एक दायरा बनाता हूँ उंगली से, ये जो बड़ा दायरा है ये उम्मत है। इसके एक कोने पर एक छोटा दायरा बना था, उसके अंदर वो आले बैत है। जिस वक्त आप आले बैत की गिनती करें तो उम्मत वाले दायरे में वो आएगी ना, लेकिन जिस वक्त आले बैत की गिनती करें उम्मत में उस वक्त नहीं आएगी ना। इसका मतलब पता है क्या? इसका नाम है उमूम खुसूस मुतलक। बात समझने वाली ये है कि इस कैफियत के बनाने का मकसद क्या होता है, यानी वो बड़े दायरे वाली जितनी खूबियां हैं छोटे दायरे वालों में मौजूद हैं। जितनी खूबियां बड़े दायरे वालों के लोगों में हैं वो सारी की सारी छोटे दायरे वालों में मौजूद हैं, मगर छोटे दायरे वालों की जो खूबियां उस पूरी बड़े दायरे वाले में किसी भी मिलेगी। समझे बात? तो अब आले बैत और हैं और सिर्फ उम्मत। जब मुकाबला तो जिक्र आए तो फिर आले बैत से छोटा खाना मुराद होगा और उम्मत से बड़ा खाना मुराद होगा। उसकी मिसाल अबू दाऊद शरीफ का हदीस है, ईद वाला दिन है दो दुम्बे आपकी बारगाह में पेश हुए। आप ये दुम्बा मेरी तरफ से है और मेरी आले बैत की तरफ से है, समझे बात? और ये दूसरा दुम्बा मेरी कुल उस उम्मत की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सके। उस सारे उम्मत कौन से थे? सहाबा थे। सहाबा के बारे में मुकाबले में अगर आले बैत की शान अफजल न होती तो ये जुमला कैसे बोला जाता? ये मेरी कुल उम्मत की तरफ से है और ये मेरी तरफ से और मेरी आले बैत की तरफ से है। अगर हर परहेजगार और मुत्तकी आपके आले बैत होता तो सारे सहाबा ही थे ना। 1,24,000 से कमोबेश सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अजमईन उस वक्त दुनिया में जिंदा थे जिस तारीख नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तो ये बात विसाल से पहले कही होगी ना। उस सारी उम्र कोई इक्का दुक्का होगा जो सहाबी नहीं होगा, बाकी तो सारे सहाबी थे। अगर परहेजगारी की वजह से वो आले बैत हों, हर मुत्तकी और परहेजगार मेरी आले बैत है, अगर ये मुराद होती तो कम से कम खुलफाए राशिदीन का तो जिक्र उस पर आ जाता, उनका भी जिक्र नहीं है। अफवाह ये मेरी तरफ से है, मेरी आले बैत की तरफ से है और ये मेरी पूरी उम्मत की तरफ से है। बात समझ आई? एक एतबार ऐसा जिसमें उम्मत और आले बैत एक है, एक एतबार ऐसा जिसमें उम्मत सारी मिल के आले बैत नहीं कहला सकती। बात समझ आई? दौरे हाजिर के मौलवी साहब अक्सर बेशतर ये कहते हैं ना, हर मुत्तकी परहेजगार
तब पता मुस्तकी बुनियाद को दिशु ने जिस एक तंबी है जी लाही भाई साहब वो कलंदर भी बूझे होनी तकने तू अप्रो शुरू नहीं हुआ काफी दूर मुच्छा करना थोड़ी मुनी हुई हो बाल लम्बे की थे हो मी शोध हर भू दराजे खिरका पोश आ हजी सौदा कराने दी फरोश उसको कहते हैं हर मुत्तकी हर परहेजगार मेरा उम्मती है ये दौरे हाजिर में जो बहुत सारे मौलवी ने उर्दू में किताब तफसीरें लिखी है ना उन्होंने मुत्तकी की यही तारीफ की है मगर बदयांती की का कमाल करके दिखाया हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ाते पाक को अमीर हज बना करके भेजा जिस वक्त हुज़ूर खुलैफा में पहुंचे पीछे जनाबे मौला मुर्ज़ा को सूरह तौबा की चंद आयात देकर के भेजी कि जाकर अराफात के मैदान में तुमने ये ऐलान करना है जो ही वहां पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते ए अली कैसे आए उनका मुझे भी जाना अगर जाना था मेरे साथ क्यों नहीं आए उनका सरकार ने मुझे अब भेजा है ये बार बार मुझे रुकना पड़ता मैं चूड़ा खाई दिया इस बात सब बेफिक्र मुझे चूड़ा में कोई नहीं खाना अल्लाह हजरत अगरे करार को भेजा उन्होंने पूछा कि आप मेरे साथ क्यों नहीं आए उनका सरकार फरमाते तो आ जाता सरकार ने फरमाया उनका फिर क्यों आए हो उनका ये चंद आयात है मेरे मुझे दी हैं इनका ऐलान मुझे करना वो क्या है एक तो इस आज के बाद कोई काफिर काबतुल्लाह का तवाफ करने नहीं आएगा एक दूसरा कोई नंगा तवाफ बैतुल्लाह नहीं करेगा पहले कुफार ये अकीदा रखते थे सारे कपड़े उतार के मर्द और औरतें नंगे तवाफ करो तो ये कपड़े उतारने का मतलब यह जिससे हमने कपड़े उतार दिए इससे हमारे गुनाह उतर गए और दूसरा तीसरा अकीदा ये है कि कोई काफिर बख्शा नहीं जाएगा और चौथी बात यह है हमारे साथ सुलह हुदैबिया का जो मुआहदा लिखा गया था जिन्होंने मुआहदे की पाबंदी की है वो पाबंदी मैं भी करता हूँ और करता रहूँगा लेकिन जिसने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है उनको चार महीने की मोहलत है चार महीने चल फिर ले हम उस मुआहदे की पाबंदी करेंगे चार महीने के बाद जुबान की तलवार तलवार की जुबान से तुम्हारे साथ बात की जाएगी मैदान कारजार में दोनों जमातें उतरेंगी ये ऐलान करना है हज़रत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे क्या ऐ अली ये आप मुझे ही दे दें मैं ही ऐलान कर सकता हूँ उनका ये आप इश्तिहाद फरमा रहे हैं नस्से रसूलुल्लाह की मौजूदगी में इश्तिहाद हराम है अगर सरकार कहें अल हक मा अलीन हक अली के साथ है नस्से रसूलुल्लाह मौजूद है फिर इस पर झगड़ा करने का किसी को हक नहीं है नस्से रसूलुल्लाह की मौजूदगी में यदि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन में वजात के साथ कोई बात नबी ने कही हुई हो उसके मुकाबले में अपनी जाती राय पर अमल करना हराम है का ये जाती राय है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ मैं कर लूँ सरकार ने मुझे ड्यूटी दी है फिर मैं आपको किस तरह दूँ उनका मेरे बारे में कोई आयत तो नहीं आई उनका ये सरकार से पूछे मुझे नहीं पता गए सरकार से उसके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वो चिट जो हज़रत अली को दी है वो मुझे क्यों नहीं दी उन्होंने फरमाया उसका ऐलान या मैं कर सकता हूँ या मेरी आले बैत कर सकती है चूंकि तू मेरी आले बैत में से मेरी आल में से नहीं है वाजे हो गई बात के लिए अगर मुत्तकी होने की वजह से कोई आले मोहम्मद होता तो हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा मुत्तकी शख्स कौन है फिर उनके आल होने तो कोई शक ना होता मालूम है आल और है और उम्मत और एक एतबार है जिसमें अहले बैत भी उम्मत में शुमार होते हैं लेकिन एक एतबार ऐसा है जिसमें उम्मत का कोई बंदा अहले बैत में शुमार नहीं होता समझ आ गई ये बात अब इससे अगली बात जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु या रसूल आप पाए ठहरे मैं दे जाता हूँ क्यों का खतरे का वक्त है समझ आई है जितने लोग अपने आप को मुरीद समझते हो शागिर्द समझते हो जान निसार समझते हो
खतरे के वक्त पिछली सबों में नजर आते हो। ये कोई मोहब्बत का दस्तूर नहीं है। मोहब्बत का दस्तूर ये है कि वो सदीक रदी ने कहा मैं आपका यार हूँ, खतरा आएगा पहले मैं मुकाबला करूँ। हजरत अली मिर्ज़ा को मकान पे छोड़ा का क्यों का दरअसल वहाँ सूरत हाल ये है कि अमानतें अदा करनी है, अगर रास्ते के खतरात का मुकाबला तो जितना अली बेहतर तौर पर कर सकते हैं, बद्र की जंग बता रही है कि कौन खतरे का मुकाबला किसने कर सकता है, उखद की जंग बतला रही है जब कुल सहाबा भागे एक भी बाकी नहीं बचा, उस वक्त हजरत अली मिर्ज़ा नहीं भागे। सफा 37 तारीखुल खुलफा मुसनफा इमाम जलालुद्दीन सियूती उसके हजरत अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कुंतु अव्वल मन फाआ, जो भागे हुए में सबसे पहले लौट के आया वो मैं था। हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कोटेशन है और लिखने वाला कौन है, जलालुद्दीन सियूती। और एक तो कहते हैं वो भागे ही नहीं, झूठ पैगंबर के लिए भी कहा जाता झूठ झूठ है, खुदा के लिए ईमान की इबादत करो। तो खतरे का मुकाबला ज्यादा अच्छी तरह कौन कर सकता है, जनाब अली मिर्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि लोगों की अमानतें वापस करनी है, तो सरकार का ये रेगुलेशन पहले से मौजूद है ला युद्दे अन्नी अखदुन इल्ला अना औ अली, लेकिन कोई अमानत अदा करनी हो या मैं करूं या अली, इसलिए करूं कि मेरे पास अमानत है, अमीन हूं। और अली क्यों करे कि वो मेरी आल में से है, आल बैत में से है, या मैं कर सकता हूं या मेरी आल बैत कर सकता हूं। दूसरा ये कि अंदर चल के सोना होगा, मेरी आल बैत के अंदर जा के सोना, ये उस दीगर दिल का आखिरी मंत्रा शरीक थे, यूं कह सकते थे या रसूल आप भी आराम करें मैं भी थोड़ी देर आराम करता हूं, मगर उन्होंने कहा इश्क मोहब्बत की दुनिया में आशिकारा शश नशानी सर बसर आजर दो आसर दो
रंग जर्द हो चश्म तर घर तू रहा पुर संग क्या दीगर से कोदाम कम खुरो कम गुफ्तनो गुफ्तन हराम। आशिकों की दुनिया का नुमाइंदा हूँ या रसूल आप सो जाए मैं जागता हूँ। कैसा पहरेदार है सरकार का, इंसान होकर जगराता उनका भी वैसा ही है। तीन दिन गार में रहे आपकी साहबजादी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर खाना लाते रहे, लेकिन एक दानिशवर बाप की बेटी है हजरत जुबैर बिन अवाम की अहलिया है खाना लाती और खाने के बर्तन जो है कपड़े से बांध के लाती। एक दिन जल्दी है तो देखा कि कपड़ा बांधने के लिए मिलेगा, आपने एक नताका उसको कहते हैं औरतें पेट को छोटा रखने के लिए अरबों में भी, जिसे यहाँ वो बेल्ट से बांधती है ना औरतें हैं, तो ये एक सीगा राज की बात है। खामिद को पता होता है, ये डॉक्टर को, बाकी किसी को पता नहीं होता। उन्होंने देखा कपड़ा कोई मुनासिब नहीं है, वो नताका अपने लेके फाड़ के दो टुकड़े करके ना उससे बर्तन बांधे और वो हिजाबात की आखिरी दुनिया है उसकी वो चीज है। सरकार की बारगाह में गए तो सरकार ने देख के पहचान लिया, कहा ये तो ऐसा लगता है जैसा कि वो कमर को बांधने का पटका नताका होता है। वो शर्मिंदा सी होगी, यार सब वही है, वो तो किसी के सामने जाहिर नहीं किया करती। कहा मैंने देखा कि सब आपकी भूख का वक्त है, खाना तैयार है, कपड़ा नहीं मिल रहा था, उसके मैंने दो टुकड़े किए, आधा मेरे कमर के साथ बांध लिया, आधा इन वस्त्रों को बांध लिया। सरकार ने जुन नताकतैन उनका नाम रख दिया, दो पटकों वाली। आज तक उनका नाम जुन नताकतैन है। अब जनाब करती क्या है, आगे आगे मैं चलूंगी और पीछे आपका एक नौकर है भेड़ बकरियां लेकर के वो चलता है ताकि मेरे पाँव के निशानात जो हैं वो किसी नतीजे व किसी को न ले जाए और जाके खाना पेश करती। अब हुआ क्या कि बकरी ने जाला तान दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। ये बड़ी मशहूर बात है, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि सरकार अंदर गए हैं और बाद में मकड़ी ने जाला तान दिया, लेकिन मकड़ी का जाला जो पूरे गार के दाने पर फिट आ जाए ये कई सालों का काम है, मकड़ी के लिए एक दिन का काम नहीं है। हाँ, लेकिन मकड़ी ने इमरजेंसी करके एक रात की रात के अंदर जाला तान दिया। अब रब ने बताना चाहा कि तुम मेरे यार को आजार पहुंचाना चाहते हो, तुम्हारी हैसियत तो मकड़ी के जाले से भी कम है, मैं चाहूँ तो मकड़ी के जाले के जरिए से उसको तहफ़ुज़ मुहैया करूँ, तुम कौन होते मेरे यार का बाल भीगा कर। और दूसरा ये कि कबूतरी ने आके अंडे दे दिए, तुसा की समझ ना आना उसी एमरजेंसी के तौर पर कबूतरी अंडे दे दे सकती, तुसा की शायद ये तजुर्बा ना उसी। असल सजदा में बड़े बड़े निकम्मे बंदे होने से शिकार करने से बाजाना बाशियाना कौकाना थिथराना छिनकलियाना पटेठराना सुरखाबाना और कुही बैरी भेगी बार शबाल शाहीन और चर और शिकरा त्रुमती इन सारे परिंदे शिकारी हैं। तो ये अलामा दमीरी इस इल्म के इमाम गुजरे, इल्म अकीदा का भी वो इमाम है। हाँ, ये अल्लामा दमीरी ने किताब अल हयवान के अंदर ये यजीद के बेटे का खुतबा लिखा है। हाँ, दमीरी, अल्लामा दमीरी। हाँ, हमने बचपन में देखा है कि कबूतरी इमरजेंसी के तौर पर अंडे नहीं दे सकती, सिला अंटा आया हुआ रोक ही नहीं सकती, तो ना आया हुआ तो दही दे सकते। ऐसा बच्ची बच्चा पैदा होने का वह तो माई भैन अपने तौर पर अगर चाहे जो बच्चा पैदा करी या नहीं करी, जिसमें आया वह उस पैदा होने का वक्त है तो उसे रोक ही नहीं सकती। तो कबूतरी ने अंडे जो आके दिए, इसकी दो सूरतें होंगी, या पहले दिए वो होंगे या बाद में दिए।
अब पहले दिए वो होने की सूरत में क्या नतीजा निकलता है? सरकार गुजरे तो वो पांव वाली जगह थी, वंडे टूटे क्यों नहीं? क्या अल्लामा बहकी ने दलाइल नबूवत जिल्द दोइन सफा 11 पर लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है कि नर्म जमीन पर पांव रखें तो निशान नहीं पड़ता था पांव का। क्यों? कि दरअसल पांव का निशान मांगता है ग्रेविटी को, कशिशे जर्रे सकील को, वेट हो ना तो फिर वो उसके पांव के निशाना पड़ते। लाइट का वेट नहीं होता है तो सरकार की जात नूर है, इसलिए उसका वेट नहीं है। अगर पांव भी रखे तो अंडे न टूटे। हजूर तो हजूर हैं लेकिन हजरत अबू सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो नूर तो नहीं थे लेकिन नूर में ऐसे इदगाम हुए कि नूर में ला नूर हो गए। फिर ये के सरकार पहले दाखलू पीछे मकड़ी ने जाला तान लिया, ये फिर सरकार का ही मौजजा होगा। मकड़ी को इतनी कुव्वत अता फरमा दी गई कि उसने जाला तान लिया, कबूतरी ने इमरजेंसी के तौर पर अंडे दे दिए। और अगर ये माना लिया जाए कि पहले से वो जाला भी मौजूद था, पहले से वो अंडे भी मौजूद थे, जाला टूटा क्यों नहीं? कहा जो आसमान पर जाए तो आसमान के फटने की नौबत ना आए, वो जाले से पार हो जाए, जाला न टूटे। लेकिन हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके अंदर जाने से तो जाला टूटना चाहिए था। सादी मरहूम फरमाते हैं गिले खुशबू दर हम रोजे दस्ते बदस्ता। एक मरतबा मुट्ठी भर मिट्टी मेरे हाथ आ गई, बड़ी उससे खुशबू आ रही थी, हमाम में वो मिट्टी मिली, किसी दोस्त ने मुझे दी, उससे खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा बदु गुफ्तम के मुश्की या अभीरी के अलबू दिलावे जे तुमस्तम। ए मिट्टी तू कस्तूरी है या अम्बरे सारा है, क्या चीज है कि तुझसे बड़ी खुशबू आ रही है? जवाब में वो मट्टी कहती है बगुफता मन गिले ना चीज भूदम बोले कन मोदते बागुल नशस्तम। वे तो बकीमत मट्टी थी लेकिन खुशबूदार फूल के पास बैठी मेरे अंदर खुशबू आ गई। मर्द मिले ता दर्द न छोड़े अगन दे गुण कर रा कामिल लोग मोहम्मद बख्शा लाल बनाउना पत्थर दा कर तू संगे खाराओ मर मर बवी चुन साहिब दिल रसी गौहर शवी। तीन रातें रहने के बाद वहां से रवाना हुए। वो यारे वफादार जो जिंदगी भर साथ रहा है गार में भी साथ है, मिजार का भी वक्त मैं आपको बाद में बताने वाला। ये थके ना हो तो शायद मैं तेरा रोजे अजल तू थक्या चला। अर्ज है गार से निकले, सफर शुरू किया, मदीना तैयबा के करीब पहुंचे तो पीछे गर्द के बादल उठते हुए दिखाई दिए। आपने पीछे मुड़के देखा, कहा या रसूलल्लाह कोई दुश्मन पीछे से आ गया है, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं ये आम शारे आम नहीं है, ये किसी को पगडंडियों का रास्ता आता है जिस रास्ते से हम आए हैं, तो इतने तेजी से आ रहे मालूम होता कोई अकेला आदमी थे, बहुत सारे आदमी और घबराओ नहीं, मैं उनका इलाज जानता हूँ। के इस्तेमाल करने का वक्त है ना, जिस इशारे से चांद तोड़ा था, जिस हुक्म से सूरज को मोड़ा था, वो इशारा तो अबू जहल के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ,
इशारे वाले जानते हैं कि कौन सा वक्त है। जिस खुदा ने फिरौन को मूसा अलैहि सलाम के ताकुब के वक्त डुबो दिया था, वो खुदा पहले भी उसको डुबो सकता था, लेकिन रब को पता है कौन सा मुनासिब वक्त है। अब जनाब एक जगह बैठे हुए हैं, अचानक सुराका बिन मालिक है। सुराका बिन मालिक ने आके बताया, मुझे कुफार मक्का ने 100 ऊंट देने का वादा किया, बिशर्ते कि मैं आपका सर उतार के ले आऊंगा। ये मेरी तलवार देख लो, आपका सर उतारने के लिए लाया हूं। अपना तो मैं गलत फहमी है, इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। जमीन ने पकड़ लिया, अब जमीन घुटनों तक धंस गए। ये गैर आपने उन कुफार के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जो आपके ताकत के लिए गार पर आए थे? सारे मुल्कत खुसरवान दान बादशाहों को पता होता है कि किस वक्त कौन सी इमरजेंसी किस तरह मीट करनी है। अब जब जमीन उसको पकड़ लिया, छाती छाती तक घोड़ा भी जमीन में धंस गया, शाहसवार भी। अर्ज करते हैं, या रसूल इस वक्त मुझे आप छुड़ाएं, दोबारा हमला नहीं करूँगा। और आप बदनीयती से कहते हो मगर मैं छुड़ा ही देता हूँ। छुड़ा दिया, दोबारा हमला आवर हुए, फिर जमीन को हुक्म दिया, धंस गई जमीन में। अब तीसरी मरतबा फिर हमला आवर हुए, अब फिर कहते एक मरतबा छुड़ा, हमला नहीं करूँगा। और कहते अब भी बदनीयती से हो, मगर तुम्हारी गलतफहमी को मैं दूर किए देता हूँ। एक वक्त आने वाला है कि तू मुसलमान हो जाएगा और ईरान की जंग में तू शरीक होगा, और शहनशाह ईरान के बाजुओं के कंगन उतरेंगे, माल गनीमत में तकसीम होंगे, और वो सोने के कंगन तेरे बाजुओं को पहनाएंगे। उस वक्त सोना हराम हो चुका होगा, दौरे फारूकी में ऐसा हुआ है कि ईरान फतह हुआ है। दोस्त ने पूछा, सुराका बिन मालिक तुम इतने दिलेर आदमी तो नहीं थे, ये धड़ाधड़ तलवारें मारते हो और दुश्मनों के जमघटों में बढ़ते ही चले जाते हो, क्या किस्सा है? उन्होंने कहा, मैं वाकई एक बुजदिल आदमी था, मैं दिलेर आदमी नहीं था, लेकिन सरकार की जुबान से ये बात निकली हुई है कि शहनशाह ईरान के बाजुओं के कंगन उतरेंगे, मेरे बाजुओं में पहनाए जाएंगे। जब तक ईरान फतह नहीं होता, शहनशाह ईरान के बाजुओं के कंगन नहीं उतरते और मेरे बाजुओं में नहीं पहनाए जाते, उस वक्त मैंने मरना नहीं है। नबी को पता है कि नहीं कौन कब कहां मरेगा। अब जब ईरान फतह हुआ, अल बदाया वन निहाया ने लिखा कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ने कहा कि सुराका बिन मालिक को बुलाओ, तो माले गनीमत तो मुजाहिदीन में तकसीम किया जाता है हिस्सा बराबर। ये सोने के कंगन उनको निरे उनको देने का तो कोई जवाब नहीं है, सोना है भी आराम है। वाह अबू हजरत उमर फारूक, तेरे अकीदे पर कुर्बान कि तू सरकार को मुख्तारे कुल जानता है, आराम और हाल का ताल्लुक मेरे साथ क्या है? तो पटवारी आखिर मुला नहीं है बैठ, ये तू भी कह लगे हेड़ा मैं। पटवारी लगे गल समझ में मदद दी किस मैं क्या लगता हूँ हलाल आराम का? सरकार अगर किसी आराम चीज को हलाल करार दे दे, मैं क्या कर सकता हूँ? हराम हलाल चीज को हराम करार दे दे सरकार की मर्जी। फरमाया, ए अली, जब तक फातिमा तेरे निकाह में मौजूद है उस वक्त तक कोई दूसरी औरत नहीं कर सकता, हराम है। कुरान कहता है, फन के हु बातावलकुम मिनन निसा मुसलम सलाम सबरबा, एक एक दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर सकते हो, लेकिन फरमाया ये है हलाल, मगर जब तक फातिमा तेरे निकाह में मौजूद है भी कोई शादी करनी हराम। सरकार का इख्तियार तो है ना, इस बात की कन्फर्मेशन किसने की है? जनाब उमर फारूक ने। तौहीद को तुम बेहतर जानते हो या उमर फारूक बेहतर जानते हो? जिस वक्त तुमको सोने के कंगन पहनाए गए, कहा जुलूस निकालो, मदीने शरीफ के गली कूचों में से गुजारो, सुराका बिन मालिक का दोनों हाथ ऊपर कर लो और ये कंगन लोगों को दिखाओ, किस मकसद के लिए? कि जो बात मुंह से तुम्हारे निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो रात हो के रही। आज के दिनों में कोई खोई रटे में बैठ के कहे कि जिस वक्त व्हाइट हाउस अमेरिका का तुम फतह करोगे
वाशिंगटन में जाके, तो उस वक्त आजाद कश्मीर के झंडे वहां ले आएंगे। आज की तारीख अगर कोई ये पेशन गोई करे तो कोई सुनने के लिए तैयार है? लेकिन खजूरों के नीचे बैठ के मदीना तैयबा में सरकार ने ऐलान किया ईरान फतह होगा, सोने के कंगन उतरेंगे, सुराका बिनमान जो आज काफिर है कल मुसलमान होगा, उस लड़ाई में शरीक होगा, वो सोने के कंगन से पहनाए जाएंगे। हालांकि सोना मर्द के लिए हराम हो गया होगा, मगर सरकार ने उसको जो जायज करा दिया वो जायज कर दिया। अब इस पर एक घंटे से ज्यादा मैं बोल चुका हूँ, अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। और अब जो मुझे जाके लंदन में छोड़ने वाला वॉलंटियर है वो मेरे साथ बाहर चले और मुझे छोड़ के आ जाए। अब मैं और जी आइए, हमारा सालाना उर्स है तहसील गुजर खान में, जन गुजर शरीफ मेरे नाना जी साहब रहमतुल्लाह की बस्ती है। आप मैंने कई मरतबा ये सोचा था कि वहाँ से आपका संदूक निकाल के अपने शहर में ले आऊँ, जैसा कि आप लोगों ने वहाँ से अपने कब्रें निकाली हैं, मंगला गैम से दूसरे की कब्रें की हैं, जैसा कि एक बरसाती नाला मदीने शरीफ के मगरब से गुजरता है उसके किनारे पर सहाबा के मज़ारात थे। सहाबा ने बहुत सारे लोगों को कहा कि हमारी कब्रें यहाँ से निकालो दूसरे दफ़े पर, तो बाज़ हालात में कब्र का ट्रांसफ़र करना जायज़ होता है, लेकिन इनको ये गुजरों वाला शहर पसंद था इसलिए इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा ये हजरत का रोज़ा मैंने बनाया, हजरत नानी जी साहब का कोई बेटा नहीं था, मेरी माई साहब उनके साथ जाती थी। और ये काफ़ी सारे मुरीद मेरे यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछ लो किसी से कोई आना पैसा चंदा नहीं लिया। मेरे भाइयों ने कहा हम भी उसमें कुछ पैसे मिलाते हैं, मैंने कहा जब तकसीम करने का वक्त आया तो बांट लेना, लेकिन खर्चे के वक्त में किसी को शरीक नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकत से अल्लाह ने मुझे बागो बहार किया और जितने मेरे दुश्मन था मैंने उनको जलील किया है, पर तोल तरह के शायद वो यूँ कर देंगे यहाँ कर देंगे, लेकिन पीछे से कोई फट्टा ही उनका खींच लिया गया। आज इतनी कुत्ते से नफरत नहीं करते जितने उन मेरे दुश्मनों से मुसलमान नफरत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें उनसे हुई हैं, ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने लिखी हैं, अब वो लिखे हुए पर भी पछताते हैं, पहला जो लिखा हुआ वो उनके गले पड़ रहा है, आज का लिखा हुआ उन मुसलमानों में कबूल नहीं हो रहा। और मेरी दुश्मनी से आज भी वो बाज नहीं आए, लेकिन अल्लाह को जी को मंजूर होगा इंशाल्लाह, मैं उनका पीछा था अब आकर करूँगा, कोई घबराहट की बात। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ये 22 जून बरोज़ हफ्ता ये उससे शुरू होगा, तो 23 जून सुबह के बाद दोस्तों के लिए दुआ खैर की जाएगी, रुख्सत की इजाज़त दी जाएगी। और इंशाल्लाह अज़ीज़ पहले के मुकाबले में लाइटों का बंदोबस्त बेहतर करने वाले हैं। पिछले साल हमने ट्रैक्टर किराए पर लिया था, इस बार मैंने दोस्तों को कहा है कि मेरे आने से पहले पहले आप अपना ट्रैक्टर खरीदें। और वो और जो जनरेटर उन्होंने पिछले साल लगाया था, मैंने कहा उससे 2-3 गुना ज़्यादा कीमत का जनरेटर लगा के लिया के वहाँ लगा दें, ताकि हमें उर्स के मौके पर बिजली में, रोशनी में, पंखे, पानी और फ्रिज और इसी तरीके से ये जो एसी वगैरह चलने में दिक्कत ना हो। इसलिए सिर्फ अंदर ही अंदर जो 83 पंखे लगे हुए हैं पूरे पंजाब में, इतना बड़ा दरबार किसी दरवेश का है कि दरबार के अंदर इतनी जगह हो कि 83 पंखे लगे हुए हों, वो मेरे नाना जी सब राम और देखो तो मज़ा ही आ जाता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे बिकने वाले ना झुकने वाले पीर सैयद अल कादर जिलानी, फिर इमाम अली शाह जी सरकार, उसका चैन मुझे दे दो, नाथ खानों की खिदमत करो। साहबजादा फजल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह आले सुन्नत वल जमात का एक अकेला नुमाइंदा थे, उन्होंने पाकिस्तान में इतनी मेहनत की हुई थी, क्या अब उनका बड़ा आला चांस था, लेकिन कुदरत के फैसले कुदरत के हाथ में हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम
उनको जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके पास मादगान में खैर बरकत फरमाए, जो उनके साहबजादे उनके जानशीन बने हैं अल्लाह ताला उनको इज्जत बरकत और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह मुश्किल आसान फरमाए और अल्लाह ताला आगे जमात की जो जमात की हैसियत है उसको बरकरार रखे। आज के इज्तिमा में जितने मर्द औरतें बूढ़े बच्चे आए हुए हैं जिस जिस का कोई नेक मकसद है अल्लाह ताला पूरा फरमाए। आइंदा हजरात अपनी खवातीन को भी सामने वाले कमरे में बिठाया करेंगे। हमारा एक पहिया चल रहा है और एक पहिया जाम है, सिर्फ मर्द आते हैं और औरतें नहीं आती। और एक तबके ने कहा औरतों का मस्जिदों में आना ही मना है, मुझे क्या बतलाई है। लिखा उस मुकाम पर है जिस जगह औरतें ईदगाह में आई हुई हैं। सरकार ने मर्दों से फारिग और औरतों को अलग खिताब किया और आपने फरमाया मैंने देखा है जहन्नम को ज़्यादा तादाद थी औरतों की। पूछा जहन्नम में ज़्यादा औरतें क्यों हैं, फरमाया कि एक तो ये कहते तुक सिर न लाना गाली गलौज कसरत से देती हो, ये भी जहन्नम में जाने का जरिया है। जो मर्दों ने एक तौर तरीका पकड़ा हुआ है बेगम को बच्चों को गालियाँ बेतहाशा देना, ये मुसलमानों का तरीका कार नहीं है, ये काफरों का तरीका कार है। सरकार वाले जहन्नम में जितनी औरतें देखी हैं उसकी एक वजह ये दरियाफ्त हुई है कि गालियाँ बहुत देती हैं, उधर तक फुर अशीरा था खामदों की नाशुक्री करती हैं। हजूर हमारे जाने जाने का बेड़े ठुडा लगा ना अपनी जिस दड़े में इस पैड़े करा चाहिए कदर ठंडा सा ही नहीं किता। ये हदीस के अल्फाज का तर्जुमा है, हदीस के अल्फाज का ठीक तर्जुमा है, जिस दड़े में इस पैड़े करा चाहिए कदर ठंडा सा ही नहीं किता। तो हमें सवा सिर सोना मुराजा उसे लुआया हुआ है, दो ढाई से रात नेकलेस गलज पिया हुआ है, अरे जिस दड़े में इस पैड़े करा चाहिए कदर ठंडा सा ही नहीं किता। उस जगह लोगों ने लिखा है कि औरतों को मस्जिदों में नहीं आना चाहिए, लेकिन वजह क्या बतलाते हैं, कहा उनके पर्दे का सही बंदोबस्त नहीं। उनके पर्दे का बंदोबस्त करो, उनको आने को क्यों मना कर दो, सरकार के दौर में आती रही है। सरकारी दौर में साहब ने उनको नसीहत की, उसका फायदा ये पहुंचा जितने मर्द दीनी काम करने वाले हैं उनको औरतों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। जिस घर की कोई बेगम आपके साथ दिमागी तौर पर फेवर नहीं करती उसका मर्द आपके काम नहीं आ सकेगा, इसलिए हमारी बेटियों को हमारा पैगाम पहुंचना चाहिए। जितने भी हमारे मोहब्बत वाले लोग हों अपनी बेटियों को अपने अपने खानदानों को पर्दे के साथ ला के दूसरे कमरे में बिठा दें और अंदर शार्ट सर्किट टीवी लगा दें, आप उसके बाद देखेंगे कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। हमारे यहाँ भी ऐसा था और हमने ये बंदोबस्त किया तो उससे हमारे हालात बदल गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कदमे दिल में सुखने कलमे आजी साहब की मदद किया करेंगे ताकि ये 11वीं शीफ जो है ज़्यादा गर्मा गर्मी से चले। एक 11वीं शीफ ऐसी है वहाबियों ने इतने किसी भी चीज़ की मुखालफत नहीं की जितनी 11वीं की, और 11वीं तुझ पर कुर्बान। सब वहाबियों का रद 11वीं पर होता है, सब शिया का रद 11वीं पर होता है, सब मुनकरों को जूता प्रसाद 11वीं पर होता है। ये जितने जैलसी करने वाले पीर हैं उनको अपने पीर का दिन मनाओ महीने में, फिर पता चलेगा तुम्हारे पीर की बरकत कितनी सारी है। हाँ गौस पाक के नाम की रोटियां भी खाते हो और गौस पाक के वो मुंह भी चढ़ाते हो, शर्म करो इस बात से। असानी मसीती भी 11वीं होनी, ये 11वीं देने नहीं मिसाल, खाने नहीं मिसाल, एक गौस पाक ना नजराना है, गौस पाक की औलाद मालिक है। ये असल में पैसे जो किन्नी पे खाने हो क्या मुँह तेरे दिल जो जुतियाँ पहननी शुरू हुई तो गिरने ना कम ऐसा कर सा। कि जो हमारी तरफ से 11वीं करते हैं हमने उनको इजाज़त दी हुई है कि जो 11वीं शीफ के पैसे दे नजराना दे वो आप लें और गौस पाक के मिशन पर खर्च करें। हमारे आबाओ अजदाद से ही काम चला आ रहा है, हम खुद बेचते हैं पैसे हमें मिलते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ जितने नाथ खानों को पैसे होते हैं कहीं भी होते हैं, उलमा की जितनी खिदमत हम लोग करते कोई भी नहीं करता। अल्लाह हमारे उलमा को और हमारे सलाह खानों को सलामत रखे, उनकी इज्जत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम्हें नहीं बुलाया हुआ था क्यों आयो, नहीं मैं समझता हूँ कि आए नहीं पौर मोहम्मद बख्शा करके आस चमन
आमी आमी ना चिर जानी दसी चात हुसन दी ते आए नी पौर मोहम्मद बख्शा कर के आस चमन दी। मैं हजूर गौस पाक का गुलाम हूँ, उनके औलाद में से भी हूँ, सरकार बगदाद के मानने वाले उनके गीत गाने वाले उलमा भी आते हैं, सना खान भी आते हैं। मैं उनके जोड़ों की भी इज्जत करता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ, मगर इज्जत के साथ करता हूँ, हकारत के साथ नहीं करता। इज्जत भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, लेकिन आज तक मेरा रिकॉर्ड है जिन जिन लोगों की खिदमत करता हूँ कभी उनका पानी नहीं पिया, कभी उनकी चाय नहीं पी जिंदगी में, और किसी को गिला भी नहीं किया कि मैं तुम्हारी इतनी खिदमत करता तो मेरा क्या करते हो। वो जो नाते पढ़ते हैं वो मेरा है काम। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम, पैगंबर पाक, सरकार के सहाबा, सरकार के आले बैत, औलिया अल्लाह और दीगर काबिल तारीफ लोगों की तारीफ करते हैं। नसीब आदमी हूँ कि मेरे अड्डे पर आकर के मेरे प्लेटफार्म को वो आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते, मेरे यहाँ पाबंदी नहीं है ये लफ्ज बोलना ये नहीं बोलना। जो कलमा हक है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक है वो बोले जाओ। और ऐसे नाथ खान जो हर जाई हों, यानी यजीद की टोकरी उठा के चलने में दिक्कत महसूस न करें और हुसैन का नाम भी जरूरत के मुताबिक ले लेते हों, ऐसे लोगों को मैं इजाज़त देता हूँ। बेगैरती का मैं हामिल नहीं हूँ। अरे अबू ज़र रज़ी अल्लाह सरकार ने फरमाया था, अबू ज़र सबसे गैरत वाला तेरा अल्लाह है, उसके बाद गैरत वाला तेरा रसूल है। गैरत खुदा की सिफतों में से एक सिफत है। बेगैरती के साथ जिंदगी मत गुजारो, ये जिंदगी नहीं है, शर्मिंदगी है। मुस्तफा जान।